शहर कायद में सब्जियों की कीमतें कम नहीं हो सकी। लीमू 1200 रुपए फी किलो पर बराजमान है, जबकि अदरक और लहसुन भी 640 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सके। सब्जियों की कीमतों से मुतालिक तफसीला जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी देखें, बिल्कुल शहर कायद में आज हफ्ते के पहले रोज ही सब्जियों की कीमतें जो है वो मुस्तकम है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो आलू जो है 100 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि प्याज और टमाटर 180 रुपये फ़ी किलो पर बरजमान है। अगर बात की जाए लींबू अदरक और लहसुन की, जो कि जिसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही, लींबू जो है वो 1200 रुपये फ़ी किलो पर जो है मुस्तकम है, जबकि अदरक और लहसुन जो है 640 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। दीगर सब्जियों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो भिंडी करेला और गाजर 200 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो है वो खीरा जो है वो 160 रुपये और तुरई 120 रुपये फ़ी किलो पर जो है कि वो मुस्तकम है। बात की जाए दीगर सब्जियों के हवाले से तो पुदीना और हरी धनिया की जो गड्डी है वो 30 रुपये की यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि सब्जियों की कीमतों में अगर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाली सब्ज़ी है, जिसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है या नींबू है और जो दीगर सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में जो है वो कमी नहीं हो रही, तो कमिश्नर कराची को जो खुद जो है शहर का विज़िट करें और सब्जी फरोशों को लगाम देने के लिए जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है जुर्माने भी आयद किए जाएं और सब्जियों की कीमतों में जो है वाज तौर पर कमी की जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में जो है गरीब आवाम जो है वो सब्ज़ी आसानी से ख़रीद के जो है वो खा सके। जी।